अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 90 रोज़ होंगे कि मुल्क के आम इंतखाबात करवाए जा सकें। अगरचे अभी ये फैसला 7 अगस्त को होना है, जब तमाम PDM की जो पार्टीज हैं उनका इजलास होगा उसमें ये बात तय की जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अगर असम्बलियाँ तहलील कर भी दे तो क्या इलेक्शन बरवक्त हो सकेंगे, क्या 90 रोज के अंदर इंतखाबात जो है उनका इनेकाद हो जाएगा। ये सबसे अहम सवाल है। अगरचे इस वक्त अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून भी ये बात कह रही है कि मियां नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं, कंपेन करेंगे, आकर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और उसके लिए तमाम जो मुस्लिम लीग नवाज की जिली तंजीमें हैं उनको कह दिया गया है कि वो तैयारी रखें, लेकिन अभी तक बादल मंडला रहे हैं इलेक्शन न होने के, क्योंकि इस बात का इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है। MQM इस बात का इजहार कर चुकी है कि नई हल्का बंदियां नई मर्दम शुमारी के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं और इजलास अपना मुनक़द किया है जिसमें इलेक्शन की तैयारियों का अब जायजा लिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत आनी है उसके बारे में भी जो PDM की जमातें हैं उनके माबेन अभी इत्तफाक राय होना है, और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ सियासी शख्सियत निगरान वजीर आजम के तौर पर सामने आ सकती है, और इस निगरान जो हुकूमत के बारे में जैसा कि पंजाब में भी बहुत सी बातें की गई, अदालत का फैसला भी आया और ये कहा गया कि 14 मई के अंदर पंजाब में और KPK के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन इंतखाबात का इनेकाद ना हो सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत के दावों के साथ इलेक्शन हो सकेंगे। इस वक्त आज भी PTI इस खदशे का इजहार कर रही है और शुरू से PTI ये बात कहती आई है कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, इलेक्शन 2024 में जा सकते हैं। बाज़ ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो PTI जिन मुश्किलात का शिकार है इसमें PTI की और मुश्किलात बढ़ेंगी। इमरान खान साहब के जाती केस, उनकी खास तौर पर निकाह वाला केस, फिर उनके तोशाखाना केस और दीगर जो उनके मुकदमात हैं उसमें फैसले आएंगे और उन फैसले आने के बाद ही मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होगा। अगर देखा जाए तो बाज़ार ये लग रहा है कि इस वक्त जो हुकूमत में बैठी हुई जमातें हैं वो ये समझ रही हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल बैकफुट पर नहीं चली जाती उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन इजहार इसी बात का किया जा रहा है कि इंतखाबात हर हाल में बर वक्त होंगे, 90 रोज होंगे इलेक्शन कमीशन के पास और इन 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद करा दिया जाएगा, लेकिन इंतहाई मोतबर ज़राए के मुताबिक मुल्क में 90 रोज के अंदर इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आते हैं। निगरान हुकूमत आएगी और निगरान हुकूमत अगले साल 2024 तक जा सकती है, जिसके दौरान बड़े अहम फैसले कुछ होंगे, खासतौर पर कुछ सियासी फैसले होने बाकी हैं, कुछ मईशत के हवाले से बड़े फैसले होने बाकी हैं, क्योंकि IMF के साथ जो मामला तय पाए हैं उनके मुताबिक अब IMF को हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात की गारंटी दे दी है कि डॉलर का रेट मार्केट रेट के मुताबिक इंटरबैंक रेट होगा, उसमें सिर्फ 1.25% जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव हो सकेगा। साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान ने यह भी यकीन दहानी करा दी है कि अब हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगेगा, जिसमें खास तौर पर एग्रीकल्चर टैक्स और प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन टैक्स जो है वो लाजम करा दिया गया और हुकूमत को अब यह टैक्स लगाने पड़ेंगे। नए टैक्सेस के साथ एक और हुकूमत के ऊपर, निगरान हुकूमत के ऊपर भी एक दबाव आ सकता है, क्योंकि IMF के साथ होने वाले इस एग्रीमेंट के जिसका आज IMF ने ऐलान किया है उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने जो शरह सूद में इजाफा किया है उसको अप्रिशिएट करने के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाने का कहा गया है कि पेंशन और तनख्वाहों की जो मद में अखराजात है इसको कम किया जाए और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो गरीबों की मदद के लिए है उसमें इजाफा किया जाए। इसके खास साथ गैर तरक्याती खर्चात में कमी और पेट्रोलियम मसनूआत पर जो टैक्सेस की शरह है वो रेगुलर 2024 और 2025 का एक प्लान जो है वो IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया है। हुकूमत पाकिस्तान को IMF से ये सपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन IMF की कड़ी शरायत हुकूमत को मानना पड़ी है और अब हुकूमत को उन तमाम शरायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना पड़ेगा। इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो नए टैक्सेस भी लगेंगे जिससे कुछ महंगाई में भी इजाफा हो सकता है, फिर दरामदार पर जो पाबंदी की बात की गई थी अब वो पाबंदी खत्म करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में डॉलर जो है उसकी कीमत मार्केट प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्टर्स का सामान जो रुका हुआ था
उनकी अदायगियों के बाद अब जो है वो डॉलर की जो है मांग में इजाफा, उसकी डिमांड में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत कदरे ऊपर जा सकती है। आज भी डॉलर मार्केट में पाकिस्तानी रुपए से ऊपर गया है, बेहतर हुई है। इस डॉलर की जो है वो कीमत जो है ऊपर गई है, पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी आई है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद भी कमी आ सकती है। और IMF ये पाकिस्तान से वादा ले चुका है कि अब इंटरबैंक और मार्केट जो प्राइस है वो तकरीबन बराबर ही रखी जाएगी। उसके साथ साथ इस वक्त जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो ये समझ रही है कि निगरान इस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत के हवाले करके ये मामला चली जाएगी। अब निगरान हुकूमत के पास खास तौर पर बड़े अहम जो चीजें होंगी उसमें से IMF के साथ मामला को मजीद आगे बढ़ाना, क्योंकि 9 माह की जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है इसके साथ पाकिस्तान को अपनी दीगर तमाम शरायत को पूरी भी करना है। और ये फैसले किसी सियासी हुकूमत के दौरान मुमकिन नहीं थे, खासतौर पर अगर हम एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें, पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, खासतौर पर दई इलाकों में इलेक्शन के हवाले से हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं और अराकीन असम्बली खासतौर पर एग्रीकल्चरिस्ट, उनकी तरफ से हुकूमत को एक दबाव का सामना रहा है। और फिर मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है, जिसके नतीजे में बड़े बड़े इस प्रॉपर्टी टाइकॉन जो हैं वो हुकूमतों और सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए इन दोनों इशराफिया पर टैक्स लगाना मुश्किल मरला है और किसी सियासी हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल काम हो सकता था। और ये फरीजा भी अब निगरान हुकूमत को सर अंजाम देना पड़ेगा। इस लिहाज से निगरान हुकूमत की अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत कोई 90 रोज के लिए काम करती हुई दिखाई नहीं देती है, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी और PMLN के माबेन जो है अभी तक इत्तफाक राय पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि PMLN और खासतौर पर पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि निगरान सेटअप के अंदर उनके अफराद शामिल हों, ताकि निगरान सेटअप अगर तवालत पकड़ता है तो ये सियासी जमातें अपने लिए बेहतर जो है वो सूरत हाल को मुल्की सियासत में रख सकें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसके लिए एक बड़ा झटका था परवेज खटक साहब का ऐलान करना, क्योंकि परवेज खटक साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आ सकते हैं, लेकिन आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PDM हो, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि हमारा मुकाबला PDM और PTI के साथ होगा। गोया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी अभी वक्त दरकार होगा अपनी हल्का बंदियों में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए, इलेक्शन कंपेन के लिए। इसलिए अगर देखा जाए तो दो जो बड़ी जमातें इस वक्त अमर्ज हो रही हैं जो PTI से टूटी हैं, एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खटक साहब की है। अगर ये पार्टियां अगले चंद माह के दौरान मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती हैं तो उसके बाद ही इंतखाबात की कोई झलक दिखाई देगी। बज़ाहिर सारी सियासी जमातें मुत्तफिक दिखाई देती हैं, इंतखाबात 90 रोज में होंगे 8 अगस्त के बाद, लेकिन अगर देखा जाए हालात के मुताबिक, सियासी तजिया कारों के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात होते हुए कतन दिखाई नहीं देते हैं।